उड़ान कार्यक्रम के तहत कलेक्टर ने कराया पतंगबाजी का मुकाबला। आदिवासी बच्चों ने लिया पतंगबाजी में हिस्सा। नन्नी नन्नी बालिकाओं को तिलक लगाकर कलेक्टर मंजू शर्मा ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। जिलेवासी मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव को लगभग भूल चुके थे, लेकिन हर बार अपने नवाचार के लिए पहचानी जाने वाली डॉक्टर मंजू शर्मा ने स्थानीय नेहरू डिग्री के प्रांगण में पतंगबाजी का आयोजन कर लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक किया। मकर संक्रांति के अवसर पर जहां अनेक जिले में पतंगबाजियों का मुकाबला देखने को मिलता है, तो जिले में ऐसा नजारा अभी तक देखने को नहीं मिला, जब प्रशासन ने इस प्रकार की कोई पहल की है। वहीं इस बार कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने पतंगबाजी का आयोजन किया, जिसमें खास बात यह रही कि इस बार का आयोजन का लुप्त अधिकारी कर्मचारियों ने तो लिया, वहीं इस आयोजन की खास बात यह भी रही कि आयोजन में आदिवासी बच्चों को विशेषकर शामिल किया गया था। सभी से अनुरोध है कृपया सामने आपके बैठने की व्यवस्था है। कुर्सियाँ पीछे की साइड और भी रखी हैं, आप चाहें तो और भी कुर्सियाँ ले लें और मंच करें, अभिवादन करें। बच्चों के लिए मकर संक्रांति की मंच के चटपटी चार के अनुरोध करूंगा कि वे प्रतियोगिता के नियमों से बच्चों को अवगत कराएं। एक बार जी और मैं स्वयं संचालक के रूप में आदिवासी बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जो हम लोगों ने अपने पूर्णतः बिना किसी स्वप्रेरणा से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इस पतंगबाजी में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया है? लगभग 50 बच्चे हमने किए थे, पर मुझे बताया जा रहा है कि 80 बच्चे आ चुके हैं और ये पूरे इसकी पूरी व्यवस्था हमारे महिला बाल विकास विभाग के द्वारा की। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।